आज के वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC मिलेनिया डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, आप अगर HDFC बैंक में अकाउंट खोलना चाह रहे हैं या फिर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है और आप अगर मिलेनिया डेबिट कार्ड लेना चाह रहे हैं तो आपको इस डेबिट कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि इस डेबिट कार्ड में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इस कार्ड के फीचर्स मिलते हैं, क्या इस कार्ड में चार्जेस वगैरह होते हैं, सब कुछ कंप्लीट जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्मराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, आप HDFC बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड लेना चाह रहे हैं या फिर आपके पास मिलेनिया डेबिट कार्ड है तो इस डेबिट कार्ड पे एवरी ईयर आपको 4800 रुपीज तक का कैशबैक है वो इस कार्ड पे आपको मिलता है। अब आप बोलोगे कि ये 4800 कैशबैक है वो कैसे मिलते हैं, तो जानते हैं इस कैशबैक के बारे में। दोस्तों, आप HDFC के पेजेप या फिर स्मार्ट बाई से कोई भी आप शॉपिंग करते हैं और इस मिलेनिया डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 5% का कैशबैक पॉइंट। तो ये पॉइंट है, ये आपको 5% यहाँ पे कैशबैक पॉइंट मिल जाता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से कोई भी आप ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग वगैरह करते हैं और इस मिलेनिया डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको 2.5% का कैशबैक पॉइंट है वो इस कार्ड पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा बाकी कहीं पे भी आप अगर ऑफलाइन इस कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं, यानी कि ऑफलाइन कहीं पे भी आप पेमेंट करते हैं, तब भी आपको 1% का कैशबैक पॉइंट है वो इस कार्ड पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी जैसे वॉलेट में अगर आप लोड भी करते हैं पेमेंट, यानी कि वॉलेट से लोड करके भी आप कोई पेमेंट वगैरह करते हैं, तब भी आपको 1% का कैशबैक है वो इस कार्ड पे आपको मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि इस तरह से तो हम जो कैश पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं ये हम ज्यादा भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों HDFC बैंक ने यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कैपिंग लगा रखी है। यानी कि आपका जो कैशबैक के लिए ट्रांजेक्शन है वो मिनिमम आपको 400 रुपीज का ट्रांजेक्शन आपको करना होगा, तभी आपको ये कैश पॉइंट है ये मिलेगा। और ये मैक्सिमम आप पर मंथ, यानी कि आप पर मंथ 400 कैशबैक पॉइंट ही यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और ये कैशबैक पॉइंट है ये आपको कब मिलेगा, जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके 90 डेज के अंदर ही आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ये क्रेडिट यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये जितने भी आपको कैशबैक पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं इनकी वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो 1 कैशबैक पॉइंट की आपको 1 रुपए की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इनको जब भी आप रिडीम करोगे तो नेट बैंकिंग से आपको रिडीम करना होगा और 400 के मल्टीप्लायर में ही आपको रिडीम करना होगा। यानी कि 400 मल्टीप्लायर का मतलब ये हो गया कि आपको 400 या फिर 800 या फिर 1200 1600 इस तरह से आपको 400 के मल्टीप्लायर में ही आपको कैश पॉइंट को रिडीम करना होगा। इसके अलावा ये जितने भी आपको कैशबैक पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं इन पॉइंट की वैलिडिटी है वो आपको 12th मंथ के लिए ही मिलेगी, यानी कि 1 साल के लिए ही इन पॉइंट की वैलिडिटी मिलेगी। तो आपका समय पे रिडीम आपको कर लेना है, नहीं तो ये पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली लैप्स यहाँ पे हो जाएगा। इस डेबिट कार्ड पे एनुअली 4 डोमेस्टिक लाउंज की फैसिलिटी भी आपको मिलती है, यानी कि आप अगर ट्रेवल वगैरह करते हैं और आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं तो वहां पे आपको खाने पीने की फैसिलिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिलेगी, लेकिन आप पर क्वार्टर है वो 1 लाउंज ही एक्सेस है वो कर सकते हैं इस कार्ड पे। तो लाउंज की फैसिलिटी भी आपको इस डेबिट कार्ड पे यहाँ पे मिल जाती है। मिलेनिया डेबिट कार्ड पे हायर कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है, यानी कि आपको डेली डोमेस्टिक ATM से 50,000 रुपए आप विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि डेली आप 50,000 रुपए हैं वो यहाँ पे ATM से निकाल सकते हैं। बात करते हैं डेली डोमेस्टिक POS लिमिट की, तो दोस्तों इस कार्ड पे आपको 3.5 लाख रुपए की आपको डेली POS लिमिट है वो यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आप अगर इंटरनेशनल शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इंटरनेशनल के POS लिमिट है वो आपको 1 लाख रुपए की इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। ये डेबिट कार्ड है ये आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे देता है। तो दोस्तों इस कार्ड से किसी भी रिटेल आउटलेट पे आप 2,000 रुपए के ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के आप कर सकते हैं, यानी कि आपको जस्ट POS मशीन के पास कार्ड को टच करना होगा और आपका 2,000 तक का पेमेंट है वो इस कार्ड से जल्दी हो जाएगा। इस डेबिट कार्ड पे आपको इंश्योरेंस कवर वगैरह है वो भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है वो इस कार्ड पे आपको 10 लाख रुपीज का यहाँ पे मिल जाता है। और ये इस इंश्योरेंस को एक्टिवेट रखने के लिए आपके डेबिट कार्ड को एवरी 30 डेज के अंदर कोई भी रिटेल स्पेंड या फिर कोई भी ऑनलाइन स्पेंड है वो करना होगा, तभी ये इंश्योरेंस है ये एक्टिवेट रहेगा। इसके अलावा आप इंटरनेशनल यात्रा वगैरह करते हैं और इस डेबिट कार्ड से आप फ्लाइट का टिकट वगैरह लेते हैं तब भी आपको इस पे 1 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल एयर कवरेज भी आपको 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे मिलेगा। इस मिलेनिया डेबिट कार्ड पे फायर एंड बर्गलरी का प्रोटेक्शन है वो भी आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी सामान वगैरह परचेस किए हैं और वो सामान 6 महीने के अंदर कोई आग में जल जाए या फिर उस सामान की चोरी हो जाए तो यहाँ पे भी आप
2 लाख रुपए का क्लेम है वो इस डेबिट कार्ड से आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर इंडिया के बाहर कहीं घूमने गए हैं और वहां पे आपने 2 लाख रुपए तक का कोई इस डेबिट कार्ड के थ्रू कोई सामान आपने लिया है और वो सामान आग में जल जाए या फिर चोरी हो जाए या किसी वाहन की दुर्घटना में वो सामान अगर खो जाता है, तब भी आप 2 लाख रुपए तक का क्लेम है वो इस डेबिट कार्ड से आप ले सकते हैं। ये मिलेनिया डेबिट कार्ड आपको 0 लाइबिलिटी के साथ आपको मिलता है, यानी कि ये डेबिट कार्ड अगर चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए तो आपको HDFC बैंक के कस्टमर केयर कॉल सेंटर यानी कि 24/7 पे आपको कॉल करके इमीडिएट आपको रिपोर्ट दर्ज कराना होगा, यानी कि बताना होगा कि हमारा कार्ड है वो गुम हो गया या फिर चोरी हो गया। उसके बाद आपके कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उसकी लाइबिलिटी बैंक की होगी, आपकी कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये प्रोटेक्शन है ये भी आपको HDFC बैंक की तरफ से इस कार्ड पे मिल जाता है। इस मिलेनिया डेबिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज है वो बिल्कुल वेवर ऑफ यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आप किसी भी फ्यूल आउटलेट से फ्यूल वगैरह लेते हैं तो वहां पे किसी तरह का कोई फ्यूल सरचार्ज है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये फैसिलिटी काफी अच्छी इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाती है। दोस्तों HDFC बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड के अलावा HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे मिलता है, उसमें भी काफी सारे बेनिफिट्स वगैरह है, काफी अच्छे यहाँ पे मिल जाते हैं कैशबैक वगैरह। अगर आपने उस क्रेडिट कार्ड की वीडियोज नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं मिलेनिया डेबिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास HDFC बैंक में कोई सा भी एक अकाउंट होना जरूरी है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनमें से आपके पास कोई भी अकाउंट है तो इस डेबिट कार्ड को है वो आराम से आप ले सकते हैं। इस डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है वो आपको 500+ GST यहाँ पे लगने वाली है। इस कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करते हैं तब भी आपको 500+ GST यहाँ पे चार्जेस रहेगा। लेकिन आपके पास HDFC बैंक का अगर कोई प्रीमियम अकाउंट है तब आपको ये कार्ड है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री यहाँ पे मिलेगा। उस टाइम आपको न कोई ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे देना और ना ही कोई रिन्यूअल चार्जेस वगैरह यहाँ पे लगने वाले हैं। टोटली आपको ये डेबिट कार्ड है बिल्कुल फ्री यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पास HDFC बैंक का प्रीमियम अकाउंट वगैरह नहीं है और आप इस डेबिट कार्ड को अगर रिप्लेसमेंट या फिर रीइश्यू आप करवाना चाहते हैं तब आपके 200+ GST का जो चार्जेस है वो यहाँ पे लगने वाले हैं। तो बस यही था HDFC मिलेनियम डेबिट कार्ड की जानकारी। इसके अलावा आपको HDFC बैंक के किसी भी अकाउंट या फिर किसी भी डेबिट कार्ड की अलग से आपको जानकारी लेना है तो हमारी ये वाली वीडियोज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे अकाउंट और सारे डेबिट कार्ड की जानकारी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और इस चैनल पे नया आया हो और फाइनेंस रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।